الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله الذي حاده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. शमे रिसालत के परवान प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब काबा का बेपना एहसान कि उसने हमें फिर एक बार कल अपने कुरान मजीद बुरहान रशीद फुरकान हमीद को सुनने सुनाने सीखने सिखाने की इस महफिल में जमा होने की तौफीक अता फरमाई। रब तबारक व ताला के फजल करम से हम सूरतुल फातिहा शुरू करने वाले हैं और सूरतुल फातिहा की तफसीर व माने व मफाहिम की तरफ बढ़ने से पहले हमने बिफजलिहि ताला ताऊज व तस्मिया के ताल्लुक से बहुत सी बातें समाप्त की और यही गुफ्तगू हमारी कई बहसों और कई मसाइल के बाद अब बिस्मिल्लाह शरीफ के आखिरी मसले कि बिस्मिल्लाह की बरकतें क्या हैं, बिस्मिल्लाह के फवायद क्या है। तो गुज़िश्ता कल हमने कुछ फवायद डिस्कस किए थे, बयान किए थे। आज मज़ीद कुछ फवायद के ताल्लुक से आगे बढ़ेंगे। इंसान इसी का नाम बार बार लेता है जिससे इसको मोहब्बत होती है, इसलिए जो इंसान हर सही काम के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ता है ये इसकी अल्लाह से मोहब्बत की दलील है। सुभान अल्लाह। यानी ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस भी है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जिससे जितना मोहब्बत करेगा उसका जिक्र उतना करेगा। तो हम दावा करते हैं कि हम अपने रब से मोहब्बत करते हैं, तो इस दावे की दलील ये होना चाहिए कि हम कसरत से उसका जिक्र भी करें, उसे याद करें, उसे अपने अस्मा हुस्ना के साथ में याद करें। और बेशक लफ्ज़े अल्लाह ये इसमें ज़ाते बारी ताला है, तो बिस्मिल्लाह में लफ्ज़े ज़ाते बारी ताला मौजूद है तो वाकई में इसकी बेपनाह बरकतें हैं। और ये जिक्र करना हर नेक काम से पहले, हर अच्छे काम से पहले बिस्मिल्लाह का जिक्र करना, ये इस बात की भी दलील है कि हम अपने रब से मुहब्बत करते हैं। अल्लामा कुर्तुबी अलैहि रहमतु रिज़वान लिखते हैं कि सईद बिन अबी सुकैना बयान करते हैं कि हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहहुल करीम ने एक शख्स को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते देखा तो फरमाया, इसको खूबसूरत लिखो, क्योंकि एक शख्स ने बिस्मिल्लाह को खूबसूरत लिखा तो इसको बख्श दिया गया। सुभान अल्लाह। तो ये मौलाए कायनात से एक रिवायत जनाब कुर्तुबी ने रिवायत फरमाई। इसी तरीके से साद बिन अबी सुकैना ने बयान फरमाया कि एक शख्स ने कागज को देखा, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई थी। इसने इसको उठाकर बोसा दिया और इसको अपनी आंखों में रखा तो इसको बख्श दिया गया। सुभान अल्लाह। तो बिस्मिल्लाह की ये बरकत है। और बड़ा ही मशहूर व मारूफ वाकया है, एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम है जनाब बिशर अल हाफी। जनाब बिशर जो थे ये अवायल दौर में
अपनी जिंदगी की शुरुआत में बड़े शराबी माने जाते थे और शराब के नशे में धुत रहा करते थे मुसलमान, लेकिन रब की तौफीक से दूर थे और शराब नोशी किया करते थे। एक बार मसला ये हुआ कि जनाबे बिशर रास्ते से गुजर रहे थे कि देखा कि रास्ते के किनारे एक कागज का टुकड़ा पड़ा है और उस कागज के टुकड़े पर कुछ लिखा है। तो जनाबे बिशर अलहाफी ने उस कागज के टुकड़े को उठाया तो क्या देखा कि उसमें रब तबारक व तआला का नाम अल्लाह लिखा हुआ है। अब जनाबे बिशर ने देखा तो जनाबे बिशर ये देखकर हैरान हुई कि रब तबारक व तआला का नाम है और जमीन पे पड़ा है। तो आपने उसे उठाया, उठाने के बाद में उस कागज को साफ किया, साफ करने के बाद में उसे बोसा दिया, बोसा देने के बाद में एक कॉल के मुताबिक बेहतरीन खुशबू ली और खरीद कर उस खुशबू को इस कागज पे लगाया और ले जाकर अपने घर पर ऊंचे मकाम पर इस कागज को रख दिया। और रखने के बाद में फरमाया कि ऐ इसमें बारी ताला, तेरा मकाम बुलंद है, तेरा मकाम वो नहीं जहां पर तू था। ये करना था कि रब तबारक व ताला ने फरमाया कि ए बिशर, हातिफ गैबी ने आवाज लगाई, ए बिशर तेरा भी मकाम ये नहीं कि तू शराब के अड्डों पर पाया जाए। तूने मेरे नाम की ताजीम की, अब लोग तेरी ताजीम करेंगे। सुबहान अल्लाह, रात में सोना था कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी दिल की दुनिया बदल दी। बिस्मिल्लाह, बल्कि इसमें अल्लाह की बरकत से आपके सारे सिया धब्बे जो आपके दामन पर लगे थे रब तबारक व ताला ने धो दिए। सुबह उठते हैं आपको तौबा की तौफीक नसीब होती है और तौबा करने के बाद में ऐसे इबादत गुजार आप बनते हैं कि बगदाद के बड़े बड़े औलिया में आपका शुमार होता है और आप बिशर अल हाफी हैं। और जब आपने इसमें बारी ताला की ताजीम की तो इस ताजीम के एवज में ये हुआ कि दूसरे दिन जब आप फिर शराब के अड्डे की तरफ जाना चाहते थे, बल्कि एक कॉल के मुताबिक आप शराब के अड्डे पर मौजूद थे कि वक्त के वलिए कामिल शराब खाने के दरवाजे पर तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद में शराब खाने के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देने के बाद में अंदर से एक आदमी बरामद हुआ और आने के बाद उस आदमी ने कहा कि हुजूर आपका यहाँ आना। तो फरमाते हैं कि जाकर बिशर से कह दो कि बिशर को अल्लाह की तरफ से पैगाम आया है। सुबहान अल्लाह। तो जनाब बिशर अल हाफी को जब वो शख्स जाकर कहता है कि शराब खाने के दरवाजे पर अल्लाह का वली तुम्हारे इंतजार में खड़ा है और वो ये कहता है कि अल्लाह का पैगाम तुम्हारे लिए आया है, तो बस ये सुनते हैं और ये सुनकर आप बिना चप्पलें पहने उसी तरीके से शराब खाने से बाहर तशरीफ लाते हैं। और बाहर तशरीफ लाकर आप उस बुजुर्गाने दीन से सलाम व कलाम करते हैं। वो बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि बिशर तेरे रब ने तुझे सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह। और रब तबारक व ताला ने फरमाया कि तूने अल्लाह के नाम को बुलंद मकाम अता फरमाया और अल्लाह तबारक व ताला तुझे बुलंद मकाम अता फरमाना चाहता है। और अब अल्लाह इरादा फरमाता है कि तू तौबा करे और तौबा करके नेकोकारों में शामिल हो जाए। जनाब बिशर जब ये सुनते हैं तो सुनने के बाद में फरमाया मुझ जैसे गुनहगार को मेरे रब ने याद किया। तो आप उसी वक्त तौबा करते हैं और तौबा करने के बाद में फिर कभी शराब खाने की तरफ न मुंह करते हैं
न कभी कोई और गुनाह की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। आप अपने पिछले सारे गुनाहों से तौबा करते हैं और तौबा करके अल्लाह के वली बन जाते हैं और अल्लाह तबारक व ताला आपको मकाम विलायत अता फरमाते हैं, सुबहान अल्लाह। और जनाब बिशर अल हाफी एक कॉल के मुताबिक बगदाद की गलियों में नंगे पांव चला करते थे। जब आपसे पूछा गया कि आप नंगे पांव क्यों चलते हैं, तो फरमाया जाता, आप खुद फरमाते कि जब मेरे पास मेरे रब का कलाम आया, जब मेरे रब ने मुझसे गुफ्तगू की और मेरे रब का पैगाम मेरे मुझ तक पहुंचा, उस वक्त जब मैं निकला था तो उस वक्त मेरे पाँव में चप्पलें नहीं थी। तो मैंने ये सोचा कि रब का पैगाम जब आया तब मेरे मेरे पैरों पर चप्पलें नहीं थी, तो बाकी सारी जिंदगी मैं इसी तरीके से बिना चप्पलों के गुजारूंगा। और एक रिवायत के मुताबिक ये है, आपसे पूछा जाता कि आप चप्पलें क्यों नहीं पहनते, तो आप फरमाते कि अल्लाह की मुकद्दस जमीन और मैं चप्पलों के साथ चलूं, यह हरगिज मैं गवारा नहीं करता, सुभान अल्लाह। इस वजह से आप बगदाद की गलियों में बिना चप्पलों के चला करते थे, तो अल्लाह तबारक व ताला ने इसमें ज़ाते बारी ताला की बरकत से आपको वो शान अता फरमाई कि जब तक आप बगदाद में नंगे पांव चला करते थे, तब तक आपके रास्ते पर कोई जानवर पेशाब पाखाना नहीं करता था, सुभान अल्लाह। आपने अल्लाह के नाम की ताज़ीम फरमाई, अल्लाह तबारक व ताला जानवरों से भी आपकी ताज़ीम करवाता है। एक शख्स ने देखा कि जनाबे बिशर जिस रास्ते से चलते हैं उस रास्ते पर नजासत पड़ी है, तो उस शख्स ने कहा, हो ना हो कि आज के दिन अल्लाह का वो वली जनाबे बिशर अल हाफी इंतकाल कर गया होगा। और वाकया भी ऐसे ही साबित हुआ कि जब देखा गया तो जनाबे बिशर अल हाफी इंतकाल फरमा चुके थे, पर्दा फरमा चुके थे। लोगों ने पूछा, ये शख्स तुझे कैसे खबर हुई, तो कहने लगा कि मैंने देखा कि जिस रास्ते से बिशर चलते थे उन रास्तों पर पाखाने पेशाब वगैरह नहीं होते थे, आज मैंने उन रास्तों पर नजासत देखी तो मैं समझ गया कि आज बिशर आने वाले नहीं। अल्लाह अकबर। ये होते हैं अल्लाह के वली और ये होता है रब तबारक व ताला का करम। जब नवाजने पर आए तो इसमें बारी ताला की बरकत से ही नवाज दे, और जब अल्लाह तबारक व ताला नाराज हो तो इसी नाम की बेहुरमती की वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने कई बस्ती हलाक फरमाई है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बिस्मिल्लाह एक मुकम्मल कलमा है और उस कलमे का एक लफ्ज है अल्लाह। इस लफ्ज अल्लाह की बरकत ये है कि भटको हुओं को राह मिल जाती है। तो सोचिए कि जो बंदा पूरी की पूरी बिस्मिल्लाह की ताजीम करे और ताजीमन इसे लिखे, ताजीमन इसे पढ़े, तो अल्लाह तबारक व ताला उसे क्या ना अता फरमाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने फरमाया कि जो शख्स चाहता है कि अल्लाह ताला इसको जहन्नम के 19 फरिश्तों से निजात दे, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, ताकि अल्लाह तबारक व ताला बिस्मिल्लाह के हर हर्फ के बदले इसको जहन्नम के एक फरिश्ते से महफूज रखें, क्योंकि बिस्मिल्लाह के 19 हर्फ हैं, सुबहान अल्लाह। जामेउल अहकाम में ये सारी बातें मौजूद हैं। तो देखिए छोटा सा बिस्मिल्लाह, लेकिन इसकी बरकतें कितनी हैं। हमने इसके मसाइल सीखे, अब इसकी फजीलतें हम सीख रहे हैं इंशाअल्लाह। आगे और भी रिवायतें मौजूद हैं। इमाम राजी लिखते हैं कि रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपनी अंगूठी दी और फरमाया, इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नक्काश से कहा कि इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिख दो। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूठी पेश की तो इसमें लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक, सुभान अल्लाह। आपने पूछा कि अबू बकर ये जायद कलमात कहाँ से आ गए और ये एक्स्ट्रा ये जायद क्यों लिखा हुआ है?
जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने आपके नाम को अल्लाह के नाम से जुदा करना पसंद नहीं किया और बाकी मैंने मैंने नहीं लिखवाया। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु इस पर शर्मिंदा थे कि आपने तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ही लिखवाया था, लेकिन आगे अबू बकर सिद्दीक जो नक्श था इसके ताल्लुक से अब रंजीदा हुए। तो इतने में जनाब जिब्राईल अलैहि सलाम तशरीफ लाए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अबू बकर का नाम मैंने लिखा है, सुभान अल्लाह। क्योंकि जब अबू बकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला के नाम से जुदा करने पर राजी ना थे, तो अल्लाह ताला ने अबू बकर के नाम को आपके नाम से जुदा करने पर, अल्लाह तबारक व ताला भी आपके नाम से अबू बकर के नाम को जुदा करने पर राजी ना था। और इसमें से नुक्ता ये है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की वजह से आपकी फिराक को गवारा ना करें, वो अल्लाह ताला की इनायत का मरकज बन जाता है। तो जो अल्लाह ताला से मोहब्बत की वजह से इसके नाम से फिराक ना गवारा करे और हर काम के साथ अल्लाह का नाम ले, वो कब अल्लाह की इनायत से महरूम रहेगा, सुभान अल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह लिखा था अपनी नाव पर, बिस्मिल्लाह की बरकत कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने अपने नाव पर बिस्मिल्लाह लिखा था। हालांकि बिस्मिल्लाह ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एक लफ्ज है, पूरा कलमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, इसका आधा बल्कि 1/3 बिस्मिल्लाह है। तो जब एक बार 1/3 बिस्मिल्लाह के पढ़ने से तूफान से निजात मिल गई, तो जो शख्स सारी उम्र बिस्मिल्लाह पढ़ता रहे वो निजात से कैसे महरूम रहे, सुभान अल्लाह। तो ये बिस्मिल्लाह की और बरकतें हैं। कैसर रूम ने हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ खत लिखा और लिखकर फरमाया कि जनाब उमर, मेरे सर में अक्सर दर्द रहता है, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए कोई दवा तजवीज़ कर दें, भेज दें, ताकि मैं इस दर्द से इफाका पाऊं। तो जनाब उमर इब्न अल-खत्ताब रदी अल्लाह तआला उन्होंने इसके पास एक टोपी भेजी। वो इस टोपी को पहन लेता तो आराम आ जाता और इस टोपी को उतार देता तो फिर सर में दर्द शुरू हो जाता। वो हैरान हुआ कि ऐसे कैसे, टोपी पहनता हूं तो सर का दर्द चला जाता है और टोपी निकालता हूं तो वापस दर्द शुरू हो जाता है। तो उसने हैरानी में एक अमल किया कि एक दिन इसने टोपी को खोल कर देखा तो इसमें एक कागज था जिसमें लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। तो ये बिस्मिल्लाह की बरकत थी कि टोपी में इसे रख दिया गया और रखने के बाद में जनाबे उमर ने भेज दिया। तो बिस्मिल्लाह की बरकत ये थी, ये कैसर रूम यानी रूम के बादशाह का सर का दर्द जाता रहा, ये भी बिस्मिल्लाह की फजीलत व बरकत है। इसी तरीके से बास कुफार ने जनाबे खालिद इब्ने वलीद से ये कहा कि आप हमें इस्लाम की तरफ बुलाते हैं, इस्लाम के हक होने, अल्लाह के एक होने और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की दावत देते हैं, आप हमें इस्लाम की सदाकत पर कोई निशानी बताएं, निशानी दिखाएं कि इस्लाम सच्चा है, ताकि हम भी इस्लाम ले आएं। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने उनसे कहा कि ठीक है, जाओ जहर ले आओ। अल्लाह अकबर, ये आपका तवक्कुल था, ये आपका भरोसा था, ये आपके ईमान की पुख्तगी थी कि आपने ये अमल किया। आम इंसान ये अमल नहीं कर सकते,
बल्कि वो आम थे भी नहीं, अल्लाह के वलियों में से एक माए नाज वली, बल्कि अल्लाह के तलवारों में से एक तलवार जनाबे सैफुल्ला थे। तो जनाबे खालिद इब्ने वलीद ने जहर मंगवाया, जहर मंगवा कर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर जहर खा लिया, अल्लाह हू अकबर, और बिस्मिल्लाह पढ़कर जहर खा लिया, और खाने के बाद अल्लाह ताला के इज्न से सही सालिम खड़े रहे, यानी कि आपको ना गशी तारी हुई, ना कोई आपके जिस्म में कोई तगैयर आया, तब्दीली आई, आप इसी तरीके से खड़े रहे। ये देखकर एक मजूसी ने कहा, वाकई ये दीन हक है, सुबहान अल्लाह। तो ये बिस्मिल्लाह की बरकत थी कि इस नाम की वजह से जहर के असरात भी जायल हो जाते हैं। ऐसी ही एक रिवायत हमने सूरह फातिहा के ताल्लुक से भी पढ़ी थी कि एक शख्स को सांप ने काट लिया था, तो सांप के काटने पर जनाबे अबू जर गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सांप के काटे हुए पर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया तो उसका जहर उतर गया। तो ये दरअसल अल्लाह के नाम की बरकत पर और अल्लाह के कलाम पर यकीन रखने वाले सहाबा थे और औलिया अल्लाह थे, जिनकी बुनियाद पर उनके साथ में ये वाकयात रोनुमा होते और ये दीन की हक्कानियत की दलील बन जाया करती थी। आज भी अगर कोई मर्द कलंदर अल्लाह के नाम पर भरोसा करके इस काम को करना चाहे तो वो कर सकता है। एक वीडियो कुछ महीने पहले बहुत वायरल हुआ, यूके के एक इंग्लिश स्कॉलर है अहले सुन्नत वल जमात के, जिनका नाम शेख असरार रशीद है। एक डिबेट चल रही थी और डिबेट के दौरान जो मद्दे मुकाबिल थे, मुनाजरा चल रहा था यहूद से और नसारा से, तो जो नसारा बैठे थे सामने, उन्होंने दौरान मुनाजरा ये गुफ्तगू की कि अहादीस में आया है कि जो दिन में 5 खजूरें खा ले सुबह के वक्त में, वो जादू के असरात से महफूज रहता है। तो वो हंसने लगे, फरमाया ये दीन है, इस तरीके की बातें और अंधविश्वास की बातें इसमें की जाती है। तो फरमाते हैं ये तो दूर की बात है, आप फरमाते जनाब अशरार से ये दूर की बात है, अल्लाह के नाम की बरकत से जादू तो क्या मौत भी टल सकती है। तो वो लोग हंसने लगे, वो लोग हंसने लगे। तो जनाबे अशरार रसीद ने जहर उठाया, खड़े हुए और बिस्मिल्लाह पढ़कर जहर पी गए, अल्लाहु अकबर। ये आज के दौर की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये साल भी नहीं गुजरा होगा, गुज़िश्ता साल की गालिबन ये बात है कि जनाब अशरार रशीद ऑन कैमरा ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ और लोग परेशान हुए। तो सामने जो ईसाई थे उन लोगों ने कहा कि क्या वाकई ये जहर है, तो आपने बड़ा ही लगता होगा जुमला कहा, आपने फरमाया अगर यकीन नहीं होता तो खुद पी कर देख लो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दीन की हक्कानियत है जो ऑन कैमरा लोगों के सामने जाहिर होती है, और ये बिस्मिल्लाह की बरकत है। ये वीडियो जनाब असरार रशीद साहब का ऑनलाइन मौजूद है, जो मुतमन्नी है, तमन्ना रखते हैं, वो ये वीडियो देख भी सकते हैं। तो ये अल्लाह के नामों की बरकत होती है, और बंदे के यकीन जितना कामिल हो, अल्लाह तबारक व ताला बंदे के गुमान के साथ है, तो जिस यकीन के साथ में बंदा जो काम करेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसमें उसे कामयाबी अता फरमाएगा। लेकिन अगर यकीन कामिल ना हो तो हरगिज हरगिज ऐसा काम ना करें, क्योंकि ये अपने आप को हलाकत में डालना साबित होगा। आगे बढ़ते हैं। हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम एक कब्र के पास से गुजरे तो देखा कि अजाब के फरिश्ते एक मर्द को अजाब दे रहे हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा।
जब अपने काम से वापस लौटे तो इस कब्र में रहमत के फरिश्तों को देखा, जिनके पास जिनके पास के जिनके पास वो तबाक थे, यानी कि जन्नत से लाए हुए बहुत सारे नेमतें थी। कुछ देर पहले देखा था तो उस कब्र पर अजाब हो रहा था, और कुछ देर के बाद में लौटे तो क्या देखते हैं कि वो अब अजाब वाले फरिश्ते नहीं हैं, अब अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसकी कब्र में मौजूद हैं, और रहमत के फरिश्ते उसे नवाज रहे हैं। ये मामला जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम को बड़ा अचंभित लगा, आपने ताज्जुब फरमाया, और इसकी हकीकत को जानने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ फरमाई कि अल्लाह, मैं ये तेरे मामले से नावाकिफ हूं, मैं इसकी हकीकत जानना चाहता हूं। रब तबारक व तआला ने आपकी तरफ वही फरमाई और फरमाया, ए ईसा, ये शख्स गुनहगार था और जब ये मरा तो अजाब में मुब्तला हो गया। अल्लाह अकबर, पता चला कि अजाब कब्र भी हक है, पता चला कि अंबिया अलैहिम सलाम कब्र के अंदर के वाकयात को देख रहे हैं, पता चला कि अल्लाह तबारक व ताला वही के जरिए अपने नबियों को जो वो जानना चाहते हैं उससे आगाही अता फरमाता है। ये सब अकायद के कुछ बातें हैं कि बाज ये एतराज करते हैं कि पीठ पीछे का इल्म अंबिया को नहीं होता, कब्र के अंदर का इल्म अंबिया को नहीं होता, दीवार के पीछे का इल्म अंबिया को नहीं होता। तो ऐसी एक ये रिवायत नहीं, ऐसी सैकड़ों रिवायत, बल्कि बुखारी में रिवायत मौजूद है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कब्र की तरफ से गुजर हुआ तो आप जिस सवारी पर बैठे थे वो सवारी रुक गई, आप वहां से उतरते हैं और फरमाते हैं अपने सहाबा से, ए सहाबा, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, ये जानते हो ये कब्र है। सहाबा बड़े ताज्जुब हुए कि हमें तो नजर नहीं आता, फरमाया ये कब्र है और इस कब्र में एक शख्स को अजाब दिया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। और फिर यहीं पर आप बस नहीं किया, आपने फरमाया इसे अजाब इस वजह से दिया जा रहा है कि जब वो जिंदा था तो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, तो पेशाब के छींटों से बचो, ये अजाब कब्र का बाइस है। और फिर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गीली शाख तोड़ी और इसके कब्र पर लगाई और फरमाया, जब तक ये हरी भरी रहेगी, अल्लाह का जिक्र करते रहेगी, और अल्लाह के जिक्र की बदौलत इसके अजाब में तखफीफ होती रहेगी। सुभान अल्लाह। यह हदीस तो बुखारी में मौजूद है, तो इस बात की गवाह है कि हुजूर सिर्फ ये नहीं जानते कि कब्र के नीचे क्या है, बल्कि ये भी जानते हैं कि कब्र के नीचे जो है वो मर्द है, और फिर ये भी जानते हैं कि इस पर अजाब हो रहा है, और सिर्फ यही नहीं कि अजाब हो रहा जानते हैं, बल्कि अजाब किस वजह से हो रहा है ये भी जानते हैं, और उसके बाद इस अजाब में तखफीफ किस तरीके से होगी ये भी जानते हैं। सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह तबारक व ताला के अंबिया, कि इनकी ये शान है कि अल्लाह तबारक व ताला इस इल्म से कई बढ़कर और इल्म अपने नबियों को अता फरमाता है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे देखेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नबियों को क्या क्या अता फरमाया। बहरकैफ, जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़कर दुआ की तो रब तबारक व ताला ने वही भेजी कि ये जो था ये गुनहगार था और जब मरा तो अजाब में मुब्तला हो गया। लेकिन मरते वक्त इसकी बीवी हामिला थी, प्रेग्नेंट थी इसकी बीवी जब ये मर रहा था। फरमाया तो थोड़ी कुछ दिनों के बाद इस बीवी को बच्चा हुआ और इसने इसको पाला हत्ता के वो बड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। बच्चे को पाला गया, बच्चा जो था, बाप तो इंतकाल कर गया लेकिन माँ ने जिस भी तरीके से बच्चे को पाला और फिर
इसको मकतब में दाखिल फरमाया, यानी कि बच्चे जहां पर पढ़ने जाते हैं, हम मदरसा कहते हैं, मकतब कहते हैं, तो वहां पर दाखिल किया। वहां पर इसके मुअल्लिम ने इसे बिस्मिल्लाह पढ़ाई, सुभान अल्लाह, और उस कहा कि बच्चे पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बच्चे ने अपनी नन्ही नन्ही जबान से बिस्मिल्लाह के कलमात को अदा फरमाए, तो रब फरमाता है इसकी जबान में पढ़ाई तो मुझे हया आई कि जो बच्चा जमीन के ऊपर मेरा नाम ले रहा हो, मुझे रहमान और रहीम कह रहा हो, इसके बाप को मैं जमीन के नीचे अजाब में मुब्तला रखूं। तो मैंने उस बच्चे के पढ़ने के अवज में मैंने इसके बाप के गुनाहों को मुआफ अता फरमा दिया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। नेक औलादों की ये भी शान होती है, नेक बच्चों की ये भी शान होती है कि वो जमीन पर अमल करते हैं और कब्र के अंदर उनके वालिदैन को राहत मिलती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदीस का मफहूम भी है कि मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, कुछ काम ऐसे हैं, कुछ अमल ऐसे हैं कि तुम चले भी जाओ और इंतकाल भी कर जाओ, उसके बाद भी उन अमलों का, उन कामों का सवाब तुम्हें मिलता रहता है। सहाबा ने अर्ज किया, रसूल, ऐसे कौन से अमल हैं कि मरने के बाद भी उसका सवाब मिलता है? तो हुजूर ने फरमाया उसमें से एक सदकाए जारिया है। सुभान अल्लाह। सदकाए जारिया ऐसा सदका कि आपने सदका कर दिया और उससे लोग फायदा उठा रहे हैं। जैसे कि कहीं पर पानी नहीं था, आपने अल्लाह के लिए सवाब की नीयत से कहीं पर कुआं खोद दिया और कुआं खोद कर आपने लोगों को इसका पानी वक्फ कर दिया। तो अब जब तक लोग इससे पानी पीते रहेंगे, उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। भले से आप इंतकाल कर जाएं, लेकिन इसका सवाब आपको मिलता रहेगा, इसे कहते हैं। और इस तरीके से दूसरे जो अमले खैर होते हैं, इन्हें कहते हैं सवाबे जारिया। जैसे मस्जिद बना देना, जैसे किसी बच्चे की तालीम का खर्चा उठा लेना, या किसी बच्चे को किताब दिलवा देना, या किताब किसी आलिम दीन की छपवा देना, ये सारे सदके जारिया कि जब तक उस किताब से पढ़ा जाएगा, उसका सवाब आपको भी अल्लाह तबारक व ताला अता फरमाएगा। इस तरीके से जितना पढ़ने वाले को सवाब होगा, उसके सवाब में कमी किए बगैर आपको भी उतना ही सवाब दिया जाएगा। ये रब तबारक व ताला की बड़ी शान है, तो इसलिए सदके जारिया किया करें। बहरकैफ, तो हुजूर नबी अकरम ने फरमाया कि एक उसमें से सदका जारिया है। हुजूर ने दूसरा फरमाया कि वो अमल जो मरने के बाद भी जिसका अज्र मिलता रहे, फरमाया वो अमल है एक सदका जारिया, और फरमाया दूसरा कि नेक औलाद जो तुमने पीछे छोड़ी। सुभान अल्लाह। कि औलाद जब तक नेकियां करती रहेगी, अल्लाह तबारक व ताला उन नेकियों का सवाब बच्चों के सवाब से कम किए बगैर उतना ही सवाब माँ बाप को भी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए अपने बच्चों को दीन की तरफ जरूर भी जरूर रागिब करें और अपने बच्चों को दीन सिखाएं। दुनिया तो हम सिखाते ही हैं, बल्कि 16 16 साल, 18 18 साल हम दुनिया का इल्म सिखाने के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन जो इल्म दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए, उस इल्म को, यानी कि इल्म दीन को सिखाने की इतनी फिक्र मुसलमानों में देखी नहीं जाती। दुनिया के इल्म का ना ही मैं इनकारी हूँ, इनकार करता हूँ, ना ही इसे मना करता हूँ कि ना सिखाया जाए। हर इल्म जरूरी है, बल्कि इस्लाम तो इल्म फैलाने ही आया है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो इल्म है वो इल्म दीन है। इल्म दीन से भी अक्सर लोग ये समझ बैठते हैं कि नाजरा पढ़ा दिया बच्चे को, अलिब्बा पढ़ना सिखा दिया और कुरान की तिलावत सिखा दी, तो बच्चों की जिम्मेदारियों से वो बरियुज जिम्मा हो गए। ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलवाएं, हराम और हलाल की तमीज बच्चे को आ जाए, मखरज के साथ में कुरान पढ़ना सीख जाए और उसके मफाहिम तक पहुंच जाए और कौल अल्लाह व कौल रसूल तक पहुंच जाए, तो क्या बात है। हाफिज कुरान बनाए,
तो अपने बच्चों को जितना आप दुनिया की तालीम देने की कोशिश करते हैं, दीन की तालीम दे, बल्कि हुजूर ने तो ये फरमाया कि अपने बच्चों को तीन चीजें सिखाओ, एक कुरान पढ़ना, दूसरा अपने नबी की मोहब्बत, और तीसरा अपने नबी की आल की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने हमें ये हुक्म दिया है कि बहैसियत मुसलमान अपने बच्चों को हम ये तीन चीजें सिखाएं, कुरान सिखाएं, और फिर कुरान के साथ में नबी की मोहब्बत सिखाएं, और नबी की मोहब्बत के साथ में अहले बैत की मोहब्बत सिखाएं। इन मोहब्बतों का सिला उसे कभी गुमराह होने नहीं देगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हज्जतुल विदा में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ, जिन्हें तुम अगर मजबूती से पकड़े रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे। उनमें से एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी अहले बैत है। सुभान अल्लाह। तो अहले बैत इकराम का जिक्र भी बच्चों के सामने किया करें, कलाम पाक की तालीम उन्हें अच्छे तरीके से दिलाएं। जिस तरीके से बच्चे को स्कूल में डालने के बाद में आला क्वालिटी की ट्यूशन भी हम देखते हैं, क्लासेस भी हम ढूंढते हैं, उसी तरीके से और हजारों रुपया खर्चा करते हैं, लेकिन जहां पर दीन का मामला आता है और कुरान पाक की बात आती है तो यह सरनल कुरान पढ़ने वाले बच्चे को 60 रुपया देने से भी माँ बाप गुरेज करते हैं। कुरान पाक पढ़ाने वाले को 100 रुपया हदिया देने से पहले भी लोग सोचते हैं, जबकि ये जो ABCD दुनिया में पढ़ाई जा रही है इसका कोई फायदा आखिरत में माँ बाप को हासिल नहीं होने वाला। लेकिन आपने देखा कि अगर बच्चा बिस्मिल्लाह भी पढ़ता है तो इसके अवज भी अल्लाह तबारक व ताला अगर चाहे तो उसके बाप को मगफिरत अता फरमाए, उसके बाप को जहन्नम के आजाब से निजात अता फरमाए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इल्मे दीन को उतना ही जरूरी समझें जितना इल्मे दुनिया को आप जरूरी समझते हैं, बल्कि इल्मे दुनिया से ला गुना ज्यादा इल्मे दीन को आप बेहतर समझें, ताकि बच्चे की दुनिया भी सवर जाए और आखिरत भी सवर जाए। आखिरी कुछ बातें अर्ज करने के बाद इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते हम बाकायदा पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तरफ बढ़ेंगे, और उसमें क्या माने छुपे हैं वो हम देखेंगे। आखिरी बात, सूरह तौबा में किताल का जिक्र है, लिहाजा इससे पहले बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई है, और ज़िबह से पहले बिस्मिल्लाह ही अल्लाहु अकबर कहा जाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं कहा जाता, क्योंकि ज़िबह के वक्त रहमत का जिक्र मुनासिब नहीं है। तो जो शख्स हर रोज 17 मरतबा फर्ज नमाजों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा वो कब अजाब में मुब्तिला होगा। सुभान अल्लाह। तो ये सारी बातें जो हमने देखी जनाबे अल्लामा फखरुद्दीन राजी के हवाले से, तो अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने अपनी शोरा आफाक किताब तफसीर कबीर में जिल्द अव्वल में बिस्मिल्लाह के ही तहत इन वाक़यात को जिक्र फरमाया जो हमने अभी पढ़े। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि रब्बे काबा हमारे गुनाहों को मुआफ अता फरमाए और हमें मिलजुल कर इसी तरीके से इल्मे दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और साथ ही साथ हमें मजीद इल्मे कुरान सीखने की तौफीक अता फरमाए, और रब तबारक व ताला हमारे और हमारे आने वाली नस्लों को दीनदार बनाए, हमारे वालिदैन की मगफिरत अता फरमाए। इन्हीं कलमात के साथ में आज की गुफ्तगू का हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं कि हमने आज बिस्मिल्लाह के मुख्तलिफ अनावीन समात किए और आज हमने बिस्मिल्लाह को मुकम्मल किया। उम्मीद करता हूँ कि ताऊज और तस्मिया के जितने मसाइल